कोरोना महामारी है, लेकिन ये वक्त इससे हार मानने का नहीं बल्कि लड़कर जीतने का है। अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं और जहां बेड्स हैं भी तो वहां ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में आपको खुद ही कोरोना के खिलाफ हथियार बनना होगा। ऐसे कई उपाय हैं जिससे आप या आपके करीबी कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद अपनी जान बचा सकते हैं और इसके अलावा कोरोना के संक्रमण को खुद तक पहुंचने से भी रोक सकते हैं। पहले बात करते हैं कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद कैसे करें अपना बचाव। यदि कोई कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है और उसके आसपास में कोई भी अस्पताल खाली नहीं है और मरीज की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही हो तो ऐसे मरीज होम आइसोलेशन का सहारा ले सकते हैं, यानी खुद के घर को ही अस्पताल में तब्दील कर लें। अगर कोरोना वायरस का संक्रमण सामान्य है तो यह 7 से 8 दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। सिर्फ इसके लिए होम क्वारंटीन होने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर यह सामान्य से अधिक है यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मरीज का ऑक्सीजन लेवल क्या है और उसे कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है ये उसे उसके फैमिली डॉक्टर से ही पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से वो अपने घर में ही उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर सकते हैं। आजकल बाज़ार में पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद हैं जिसकी कीमत आपके बजट में हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन मुंबई और अन्य शहरों में इसे किराए से भी मंगाया जा सकता है। दरअसल इसे सिलेंडर की तरह बार बार भरवाने की आवश्यकता नहीं होती, यह एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कलेक्ट कर मरीज तक पहुंचाता है। अगर इसके बावजूद भी आराम ना हो तो अपने आस पड़ोस के किसी जानकार डॉक्टर से परामर्श लेकर अपने होम हॉस्पिटलाइजेशन को मॉनिटर करवा लें ताकि उनकी देखरेख में आपको स्टेरॉयड और इंजेक्शन भी दिया जा सके और सलीके से आपका इलाज हो। इसके अलावा कोरोना वायरस का बचाव करने के लिए भीड़भाड़ के इलाकों से खुद को दूर रखें, मास्क पहनें, हाथों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज करें। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि अपने खान पान का ध्यान रखें, उचित मात्रा में प्रोटीन और विटामिन वाले भोजन ही लें, हो सकें तो उबले हुए पानी या फिर प्योरीफाइड वाटर पीने के लिए इस्तेमाल करें। भोजन पकाते समय सब्जियों को ज़रूर उबालें। हल्दी, अदरक और चिरैता का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो यकीनन कोरोना वायरस का संक्रमण आपसे दूर ही रहेगा। जिस सरकार को देश की 60% आबादी ने मंदिर वहीं बनाने के लिए चुना था, तो ऐसी सरकार से अस्पताल में बेड बनाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। और महामारी के वक्त ये अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, उनसे यह उम्मीद करना कि वह अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाएंगे और ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे, यह बेवकूफ़ी हो सकती है। वैसे अगर सरकार चाहे तो होम हॉस्पिटलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट अपना सकती है और इस सच्चाई को स्वीकार कर सकती है कि अगर हमारी ताकत देश की जनता को सुरक्षित करने की नहीं है तो कम से कम देश की जनता को उनके घर में तो सुरक्षित किया जा सकता है। उम्मीद है यह वीडियो उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जिन्हें इस तरह की जानकारी की सख्त ज़रूरत थी।